Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nazreen istiqbal hai, swagat hai aapka viral news live studio Jalgaon, Maharashtra, India mein. Main aapka mezban Mufti Muhammad Harun Nadvi. आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही खास बड़ी 10 अहम खबरों पर नजर डालते हैं. सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए. उसका तरीका यह है कि वीडियो के नीचे एक जगह लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दीजिए, वो सफ़ेद हो जाएगा. उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दीजिए. और घंटी को टच करने के बाद तीन ऑप्शन आएगी, जिसमें पहला ऑप्शन ALL ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दीजिए. इस तरह आप चैनल से जुड़ जाएंगे, हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी. और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है. अगर आप चाहते हो कि ऐसे सच्चे बेबाक चैनल जो जुल्म के ख़िलाफ़, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मज़बूत हो, बाकी रहे, तरक्की करे, आगे बढ़े, तो फिर चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर कीजिए. स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है. और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेज कर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361. अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है आप फिक्स कर लीजिए, हर दिन, हर हफ्ते या फिर हर महीने आप कुछ ना कुछ चैनल की माली मदद ज़रूर कीजिए. नाज़रीन, आज जुमा का दिन है और जुमा के दिन रात में भारत के, इंडिया के वक्त के एतबार से रात 9:30 बजे लाइव बयान होता है इसी चैनल पर, जिसको आप हज़ारों की तादाद में देखते हैं, पसंद करते हैं, दुआएं देते हैं. आज के बयान का बहुत अहम उन्वान है कि शबे बरात की क्या हकीकत है और इसकी फजीलत क्या है और इसमें क्या करना है इस रात को और क्या नहीं करना है. बहुत अहम बात होगी, अपनी फैमिली के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ आज रात 9:30 बजे रात के लाइव बयान को आप ज़रूर देखें और दूसरों तक भी इस पैगाम को, दावत को शेयर करें. दूसरे भी अगर कोई अच्छी बात सुनेंगे तो उसका सवाब आपको भी ज़रूर मिलेगा. नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां एक मशहूर केस जो अब इस वक्त पूरे मुल्क में गूंज रहा है, सस्पेंड इंस्पेक्टर सचिन वाजे को लेकर. गुज़िश्ता कल सचिन वाजे ने अदालत में एक बात कही जिससे केस में एक नया मोड़ आ गया. सचिन वाजे ने कहा कि अंबानी मामले में मुझे बलि का बकरा बनाया गया, मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है. NIE की अदालत में सचिन वाजे ने यह दावा किया. रिमांड में 15 दिन की तौसीक कर दी गई. वाजे ने बताया कि इस मामले में मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया, मैंने अब तक NIA के साथ तफ्तीश में मदद की है, इसलिए मुझे दोबारा NIA की तहवील में न दिया जाए. सचिन वाजे पर इल्ज़ाम है कि उसने ही अंबानी के घर के बाहर धमाका खेज मवाद से लदी कार पार्क की थी. NIA ने यह भी दावा किया, जबकि ATS ने सचिन वाजे को मनसुख हिरेन केस में कलीदी मुलजिम करार दिया. सस्पेंड इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे ने मुल्क में एक बड़ा जुर्म किया है, किसी पुलिस अफसर का इस किस्म के जुर्म में मुलव्वस होना शर्मनाक बात है. ये बात गुज़िश्ता कल NIA की खसूसी अदालत में NIA के सॉलिसिटर जनरल अनिल सिन्हा ने कही. उन्होंने कहा कि सचिन वाजे के रिमांड में 15 दिनों की तौसी की दरख्वास्त की, जिससे अदालत ने कबूल कर लिया. आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर भी कोरोना को लेकर मुंबई शहर की अपडेट ये आ रही है कि मुंबई में 10 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया गया. और ये भी कहा जा रहा है, मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने यह कहा कि मुंबई शहर के हालात अभी काबू में हैं, रोज़ाना 10,000 मरीज आए हैं तो भी हम तैयार हैं. वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन में 40,000 कोरोना टेस्ट की वजह से
5000 कोरोना मुतासरीन मिले हैं लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि रियासत भर में यानी महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज़ों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुंबई, नासिक, नागपुर और धुलिया जैसे शहरों में ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना की आंधी आ गई। सबसे ज़्यादा मुंबई, पुणे और नागपुर में कोरोना मुतासरीन पाए गए हैं। ऐसे हालात में भी मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा कि मुंबई के हालात अभी काबू में हैं। उन्होंने मुंबई वासियों से ये भी कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कोरोना की गाइडलाइंस पर मजबूती के साथ अमल करें। वहीं पर कोरोना को लेकर यह खबर भी आ रही है रियासत महाराष्ट्र से कि परभनी में गुज़िश्ता कल पहले दिन का लॉकडाउन मुकम्मल कामयाब रहा। शहर के तिजारती इलाके मुकम्मल तौर पर बंद किए गए। वहीं पर रियासत महाराष्ट्र से ये भी खबर आ रही है कि नांदेड़ में 4 अप्रैल तक लॉकडाउन का आगाज़। सड़कें पूरी तरीके से सुनसान नज़र आई और कारोबारी इदारे भी मुकम्मल तौर पर बंद नज़र आए। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैज़ान इलाही ने खबर भेजी है कि गुज़िश्ता कल हज के मौजूदा मसाइल को लेकर लखनऊ के उलमाए किराम दानिश्वर शख्सियात की एक अहम मीटिंग हुई। जी हाँ, ये मीटिंग मदरसे हनफिया अहमद रज़ा कल्याणपुर रिंग रोड पर मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत मशहूर आलिम दीन और मुस्लिम कन्वेंशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सदर मौलाना इकबाल अहमद कादरी ने फरमाई। मीटिंग में सबसे पहले गहरा अफसोस इस बात पर जाहिर किया गया कि कोरोना की वजह से हज 2020 नहीं हो सका, हिंदुस्तान के लोग हज का सफ़र नहीं कर सके और हज 2021 पर भी अभी ख़तरे के बादल छाए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बीमारी से जल्द अज़ जल्द नजात दिलाए ताकि हिंदुस्तानी हाजी सऊदी अरब जाकर सफ़र हज कर सके। मीटिंग में हाफिज़ नौशाद आज़मी, जो उत्तर प्रदेश स्टेट हज कमेटी से दोबारा मुंतखब होकर मरकज़ी हज कमेटी के मेम्बर रहे, 1998 से हाजियों की सहूलत दिलाने के लिए गैर मसलकी और गैर सियासी तरीके से 20-22 साल से पुरअमन तरीके से गांव से लेकर असम्बली और पार्लियामेंट तक और पार्लियामेंट के दोनों सदनों के अंदर हाजियों को मसाइल को उन्होंने उठाया। बेशतर मामलात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। खैर, इस वक्त इस मीटिंग में हज के जो भी मसाइल पेश आ रहे हैं इसको लेकर काफ़ी चिंता और फिक्र जताई गई और दुआएँ की गई कि अल्लाह ताला 2021 में भारत के मुसलमानों के लिए हज के सफ़र को आसान करें। इस मीटिंग में हाफिज नौशाद आज़मी के ज़रिए वज़ीर हज मुख्तार अब्बास नकवी को एक खुला खत जो 5/1/2021 को लिखा गया था इसको पढ़कर सुनाया गया और इस मेमोरेंडम में वज़ीर हज की 3 साल की कमी और कारकर्दगी को भी लिखा गया और वज़ीर हज मुख्तार अब्बास नकवी से गुज़िश्ता कल इस लेटर के ज़रिए इस्तीफ़ा का भी मुतालबा किया गया। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, साबिक मरकज़ी वज़ीर MJ अकबर काफ़ी मशहूर नाम है और किस मामले में मशहूर हुआ मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी खबर आ रही है कि MJ अकबर ने प्रिया रमानी को बरी किए जाने को चैलेंज किया और दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मरकज़ी वज़ीर साबिक MJ अकबर ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए सहाफ़ी प्रिया की जानिब से उन पर दायर करदा क्रिमिनल हद के इज्जत के मुकदमे में बरात के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की है। इस दरख्वास्त पर सुनवाई जस्टिस मुक्ता गुप्ता की अदालत में जुमेरात के रोज़ होगी। दिल्ली की एक अदालत ने 17 फरवरी को इस केस में सहाफ़ी रमानी को बरी कर दिया था। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे के इनकाद के साथ कि मस्कुरा औरतों को हक है कि वो अपनी शिकायत अपनी पसंद के किसी भी प्लेटफॉर्म पर यहां तक कि कई दहाइयों के बाद भी दर्ज करा सकती है। मस्कुरा अदालत ने मजीद ये भी कहा कि हक वक़ार की कीमत पर हक वक़ार की हिफाजत का तहफ़ नहीं किया जा सकता। बदनामी की शिकायत के बहाने ख़वातीन को जिनसी इस्तेसाल के
خلاف آواز اٹھانے پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ خیر اب ایم جے اکبر نے دہلی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ چلیے ناظرین ابھی اور چونکانے والی خبر ممبئی ہی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، کبھی مکیش امبانی کے گھر کے باہر اسکارپیو ملتی ہے تو کوئی فور ویلر ملتی ہے تو اس کو لے کر پوری سیاست گرماتی ہے۔ آخر چکر کیا ہے، گیم کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اسی دوران اب یہ خبر بھی آئی ہے کہ مکیش امبانی کے گھر کے باہر ایک لاوارث اسکوٹی کے ملنے سے پھر سنسنی پھیل گئی ہے۔ جی ہاں، ایک لاوارث اسکوٹی ملی ہے اسکارپیو کار کے بعد۔ اب اسکوٹی ملنے کے بعد مقامی پولیس اسٹیشن حرکت میں آ گیا ہے، اس نے اس اسکوٹی کی تفتیش شروع کر دی ہے اور یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ یہ اسکوٹی کس نے پارک کی تھی اور اس کا کنیکشن دھماکہ خیز مواد والی کار سے ہے یا نہیں۔ ٹریفک محکمے نے دو پہیا والی سوزوکی ایکسس اسکوٹی MH01DD2225 برآمد کی اور اس تعلق سے گام دیوی پولیس اسٹیشن کو اطلاع کی۔ اب تک اسکوٹے کے نمبر کی بھی تصدیق نہیں ہوئی ہے کیونکہ پولیس کے ریکارڈ میں یہ نمبر نہیں ملا ہے۔ یہ بھی نہیں پتا چل سکا کہ اسکوٹی آخر کس کی ہے۔ ناظرین اس وقت دوسری خبر میری نگاہوں کے سامنے، وہ بھی ممبئی سے ہی آ رہی ہے کہ ممبئی کی ملی اور سماجی تنظیموں نے ایک مشترکہ وفد کی شکل میں نئے کمشنر ہیمنت نگرالے صاحب سے ملاقات کی اور ملاقات کے موقع پر شب برات جو دو دن کے بعد آ رہی ہے، اس موقع پر دیر رات تک عبادت کرنے کی اجازت دی جائے، اس طرح کا مطالبہ کیا۔ انجمن باشندگان نے بہار ممبئی کے ایک ڈیلیگیشن نے ایک وفد نے ممبئی کے نئے پولیس کمشنر ہیمنت نگرالے سے ملاقات کی، انہیں کمشنر کے عہدے پر تعیناتی کی مبارکباد پیش کی اور اس موقع پر انجمن باشندگان بہار ممبئی کے جنرل سیکرٹری محمود حکیمی، جمعیت علماء ممبئی کے صدر مولانا عبدالسلام خان قاسمی اور سماجی تنظیم احساس ملت فاؤنڈیشن کے چیئرمین تبریز میمن اور مبین منصوری موجود تھے۔ وفد کی قیادت کر رہے محمود حکیمی نے پولیس کمشنر سے مطالبہ کیا کہ شب برات جو کہ مسلمانوں کا ایک اہم بڑا تہوار ہے، اس موقع پر مسلمان قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور مسجدوں میں دیر رات تک عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے کمشنر صاحب سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو اس موقع پر، شب برات کے موقع پر دیر رات تک عبادت کرنے کی اجازت دی جائے۔ انشاءاللہ مسلمان COVID-19 کے تمام گائیڈ لائنز کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی عبادت کریں گے اور قبرستان کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ وفد کی اس درخواست پر پولیس کمشنر صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی اس درخواست پر غور کریں گے اور COVID-19 کی گائیڈ لائنز کی روشنی میں مناسب حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ناظرین، مغربی بنگال میں الیکشن کی یوں سمجھے کہ سرگرمیاں ہیں اور پہلے مرحلے کی انتخابی مہم بھی اب ختم ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال میں گزشتہ کل کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ مغربی بنگال میں سیاسی تشدد کے سائے میں پہلے مرحلے میں ہونے والی 30 سیٹوں پر انتخابی مہم گزشتہ شام ختم ہو گئی۔ کل شام سے ہی ریاست میں تشدد کے واقعات میں ہنسا کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ جمعرات کی صبح کلکتہ سے محض 99 کلومیٹر کے فاصلے پر ندیا ضلع میں شانتی پور قصبے کے مضافات میں میتی ڈانگا گلے کے کٹے ہوئے دو لاشیں برآمد ہوئی۔ بی جے پی نے اس جڑے ہوئے قتل پر سخت ریئیکشن کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مرنے والوں کا تعلق ان کی پارٹی سے ہے۔ خیر ان دونوں کی شناخت پرتاپ برمن اور بسواس کے طور پر ہوئی ہے۔ رانا گھاٹ سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ شانتی پور اسمبلی نشست کے لیے پارٹی کے نامزد امیدوار جگن ناتھ سرکار نے علاقے میں جمعے کے روز 12 گھنٹوں کے بند کا اعلان کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مرکزی فورسز کی موجودگی کے باوجود تشدد کے ہنسا کے واقعات میں بنگال میں اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین کسان آندولن کو لے کر اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ کسانوں کی کئی سنستھائیں، کئی تنظیمیں گزشتہ کئی مہینوں سے احتجاج آندولن کر رہی ہے۔ ان کا ڈیمانڈ ہے کہ مرکز کے ذریعے پاس کیے گئے 3 کالے انگریزی قانون واپس لیے جائے۔ خیر اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ راکیش ٹکیت جو کسانوں کے بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ کسانوں کو ڈرایا جائے
तो अफसरों को यरगमाल बना लें। जी हाँ, मुहिम में हुई किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जमान राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को मजदूर बनाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने किसानों को मशवरा देते हुए कहा कि अगर कोई सरकारी एजेंसी किसानों को डराने की कोशिश करे तो फिर उन्हें यरगमाल बना लें। इस दौरान टिकैत ने 26 जनवरी के वाक़े का भी तस्करा किया। टिकैत ने कहा कि एक पाइप पर मजहबी झंडा लगा दिया तो क्या गुनाह कर दिया, लाल किला तो सरकार पहले ही बेच चुकी है। उन्होंने हरियाणा के सीएम पर निशान लगाते हुए कहा कि अगर वजीर आला खट्टर में हिम्मत है तो हेलीकॉप्टर से नीचे उतर कर दिखाए। टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज उठाने वालों को परेशान कर रही है। चलिए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मुंबई की ही आ रही है। जिया साबिक पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया, हाई कोर्ट की तरफ रवाना किया। अब खबरें आ रही है कि वो हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। वज़ीर दाखला रियासत महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ करप्शन की तफ्तीश की मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक धचके के बाद मुंबई के साबिक कमिश्नर ऑफ पुलिस परमवीर सिंह ने जुमेरात के रोज़ बम्बई हाई कोर्ट में एक मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया, जिसमें मुतालबा किया गया है कि उनके रियासती वजीर दाखला अनिल देशमुख के खिलाफ करप्शन के इल्जामात की मरकजी तफ्तीशी एजेंसी से तहकीकात कराई जाए। अपनी दरख्वास्त में सिंह ने, जो कि 1987 बैच के आईपीएस अफसर है और उन्हें मुंबई पुलिस चीफ की हैसियत से हटाकर होम गार्ड्स के कमांडेंट जनरल के ओहदे पर फाइज किया गया। परमवीर सिंह ने गुज़िश्ता हफ्ते को एक लेटर बम भिजवाया था, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि वजीर अनिल देशमुख मुबैना तौर पर एक मुअत्तल मुआविन पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे से हर माह 100 करोड़ रुपये माहाना वसूल करने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जिससे बड़े पैमाने पर सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। तो खैर, अब परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट से धचके के बाद मुंबई हाई कोर्ट पहुंचे हैं।